नमस्कार, सितारों का सफर कार्यक्रम में मैं रीमा आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, आइए उनसे मुलाकात करें। बंगला फिल्में और वहां के कलाकार दोनों ही बेहद प्रसिद्ध हैं, किंतु 16 जून 1947 को कलकत्ता में जन्मे और वहां से दूर आकर अपने कर्म और कला के झंडे गाड़ने वाले बंगला भाषी सीधे साधे सांवले सलो ने एक ऊंची उठती काया के मालिक श्री गौरांग चक्रवर्ती यानी मिठुंडा, जिन्हें हम और आप जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी के नाम से। वैसे इनका परिचय करवाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। जिज्ञासा ने सर उठाया तो हम जा पहुंचे उनके पास और खोल डाले उनकी जिंदगी की किताब के कुछ प्रारंभिक पन्ने। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, शिक्षा भी कलकत्ता में, स्कूलिंग किया ओरिएंटल सेमिनारी में और कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज। बचपन कैसा भी था, मतलब आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई लिव्ड कलकत्ता। 19 साल में कलकत्ता छोड़ना पड़ गया मुझे। कभी कभी जिंदगी एक सोचे समझे रास्ते पर चलती है, तो कभी कभी हम जो सोचते या चाहते हैं उससे कहीं अलग रास्ते पर चलाते हुए एक नई ही मंजिल के सामने खड़ा कर देती है। मिठुंडा की जिंदगी में भी ऐसा ही तो कुछ घटा था। इंग्लिश में बोलूं तो सुनने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए बोलता हूं आई एम नॉट एन एक्टर बाय एम्बिशन, आई एम एन एक्टर बाय कंपल्शन। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, मुझे कभी फिल्म अभिनेता बनने की इच्छा नहीं थी। मैं किसी कारणवश मुझे कलकत्ता छोड़ना पड़ेगा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से, और मैं ये सोचा था कलकत्ता वापस जाऊंगा लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन कुछ दोस्तों ने फिर मुझे एक दिन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ले गया और वहाँ पता चला कि ये ट्रेनिंग एक्टर्स। मैं एप्लीकेशन दिया उसके बाद, लेकिन सुनने में जितना आसान लगता है ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं है। तो मेरी जिंदगी में कोई चीज़ ओवरनाइट सक्सेस या ओवरनाइट विक्ट्री कोई चीज़ बनी नहीं मेरी। जो कुछ भी मिला मुझे संघर्ष करके अपने बलबूते पे दिया। मिठुंडा ने सत्य को कभी झुठलाने की कोशिश नहीं की, हर बात को सीधे सच्चे तरीके से कहना उनकी फितरत है। जहां वे अपनी अच्छाइयों और खूबियों को जानते समझते हैं, वहीं वे अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने में जरा बराबर भी नहीं हिचकते। शायद यही कारण है कि बंबई फिल्म इंडस्ट्री हमेशा ही उनकी साफ गोई की दीवानी रही है। ऐसे लोग विरले ही होते हैं जिन्हें पहले कदम पे ही सफलता की ऊंचाइयां छूने पहुंच जाएं। पर मिठुंडा के साथ ऐसा ही हुआ। देखिए, मैं बड़ा कन्वेंशनल हीरो तो हूं नहीं। अब मुझे देख के, मेरा कॉम्प्लेक्शन सब देख के लगेगा नहीं कि मैं कन्वेंशनल हीरो हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं हीरो बनूंगा। मैं ये सोचा था अगर बन भी गया तो मैं विलेन बन जाऊंगा, लेकिन वो भी बॉलीवुड में नहीं सोचा था, अपने बंगाल में सोचा था। लेकिन तकदीर, डेस्टिनी भी बहुत प्लेज अ वेरी बिग गेम। फिर मिलान सेन जी ने मुझे देखा और मृगा हिंदी में बनाई और सफर शुरू हुआ नेशनल अवार्ड्स। लेकिन उसके बाद और कठिन हो गया, इसलिए कि सब कहने लगे एक्टर तो बहुत तगड़ा है लेकिन यार ये हीरो नहीं लगता भाई। तो इसीलिए संघर्ष की बात करें तो मैं बोलूं बहुत लंबी कहानी है, तो नक्सल में ये है कि लेकिन मैं हारने वाला इंसान नहीं हूं। मैं अगर हार भी गया तो समझ लीजिए मैं पोरस हूं, अलेक्जेंडर की पोरस कि लड़के हारूंगा, लास्ट आखिरी दम तक लड़ूंगा, नहीं होगा तो फिर बोलूंगा सरेंडर, मैं हार गया।
बंगला भाषी इस दुबले पतले युवक ने 1976 में प्रदर्शित मृगया फिल्म ने ये घोषित कर दिया कि इस युवक में न केवल अभिनय की गहराई है बल्कि उसे नितांत वास्तविक रूप में दिखाने और जीने की क्षमता भी। सिल्वर लोटस अवार्ड्स की श्रृंखला में 1977 में मृगया और 1993 में अग्निपथ के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद 1991 में तथा 1996 में इन्हें फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। कहां बंग अंचल का वो सीधापन और कहां बॉलीवुड की चमक दमक भरी माया नगरी। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना आसान तो नहीं होता। वेस्टर्न डांस, मार्शल आर्ट्स और हिंदी फिल्मों में इन सभी की एंट्री मिथुन दा की मेहनत का ही नतीजा है। पर मिथुन दा ने डांस और फाइट में ये रिवॉल्यूशन कैसे पैदा किए ये बात तो वही बता सकते हैं। डिस्को डांसिंग का ट्रेंड मैं लेके आया, एक्शन में तबादला जो हुआ एक्शन सीक्वेंस में, दैट वाज बाय मी। ये क्यों हुआ मैं बताऊं कि मुझे 18 साल लगा दूसरे नेशनल अवार्ड पाने में, इसीलिए कि एक जिद आ गई कि क्यों लोग कहते हैं कि मैं नहीं बन सकता। ठीक है, मैं समझता हूं कि मेरा कन्वेंशनल हीरो नहीं हूं, तो मैं एक डांसिंग स्टार तो बन सकता हूं, ये एक्शन स्टार तो बन सकता हूं कि मैं आई कैन डू इट। और इसीलिए मुझे 18 साल का गैप लिया मैं, कि मैं ये सोचती कि मैं जब तक स्टार नहीं बनूंगा और मैं पैरेलल सिनेमा नहीं करूँगा। इसलिए 93 में फिर बुद्धदा ने मुझे ऑफर दिया, फिर सेकेंड नेशनल अवार्ड मिला और तीसरा मिला 95 में प्लेइंग रामकृष्ण परमहंस। माना कि अब बुलंदियां छूने लगी तुम्हें, माना कि अब बुलंदियां छूने लगी तुम्हें, पर तुमने उनको अपने सर होने कहां दिया। सफल होने के बाद भी कभी मिथुन दा को अहंकार ने नहीं छुआ। एक के बाद एक कितनी ही फिल्में उनके खाते में दर्ज होती चली गईं। आज तक वे 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। दृढ़ निश्चयी व कर्मठ मिथुन दा किसे देते हैं अपनी सफलता का श्रेय, आइए जानें उन्हीं से। माय हार्ड वर्क, माय यू कैन से माय फाइटिंग इंस्टिंक्ट। मुझे देख के नहीं लगेगा कि मैं इतना बड़ा फाइटर हूं, लेकिन आई एम ए ग्रेट फाइटर। मैं कोई चीज को आसानी से छोड़ने वाला नहीं, मेरे घर वाले भी जानते हैं अगर ये नहीं कर पाया तो छोड़ेगा नहीं जब तक इसका एंड नहीं देखेगा। बट आई एम नॉट ए हार्मफुल मैन, मैं किसी बुरा नहीं चाह सकता। अगर हो गई होगी अनजाने में, वो भी मैं नहीं समझता मैं अनजाने में भी कोई गलती की है, लेकिन अगर हो गई तो दूसरी बात है, लेकिन मैं ऐसे किसी का बुरा नहीं चाह सकता। मैं हर वक्त ये सोचा हूँ तो कंपटीशन शुड बी देयर, बट इट शुड बी अ फेयर कंपटीशन। मतलब जो हर गया सो हर गया, फेयरली नॉट रॉन्गली। आई हैव नेवर वॉन्ट एनीवन। जीवन में सभी की कुछ पसंद कुछ नापसंद होती है। मिथुन जी की पसंद और नापसंद से आइए हम आपको रूबरू करवाएं। पसंद तो देखिए मुझे लगता है सभी को एक ही चीज पसंद होगी कि जो आप जिंदगी में चाहते हो आपको मिल जाए। Everybody wants it. मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 100 में से आपको 5 जो चाहते हो मिलते हैं, 95 नहीं मिलता है, और 95 मुझे पसंद नहीं है। पल पल खर्च होती है जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में, और हम खुद ही इसे खर्च करते हुए महसूस भी नहीं कर पाते कि जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा हाथ से निकल गया। बार्टर सिस्टम की बात करें तो जब हम कुछ देते हैं तो बदले में कुछ पाते भी हैं। यही प्राप्ति होती है, हमारी कमाई या धरोहर, जिसे आने वाला समय या पीढ़ी हमसे मांगते हैं। हमने भी मिथुन दा से मांगा उनके जीवन का मूल मंत्र, उनके संदेश के रूप में। हार जाना तो बहुत आसान है, टू गेट डिफीट इज वेरी इजी, टू बी डिफीटेड आल्सो वेरी इजी। लेकिन सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना कि हार जाना कैसे बोल रहा है कि बहुत आसान है,
मैं बोल रहा हूँ हार जाना आसान है, जीतना मुश्किल। हार जाना मैं एक मिनट में बोल दूँ, अच्छा भाई मैं नहीं खेलूंगा मैं हार गया, लेकिन खेल के हार जाना बहुत तकलीफ की बात है, उसके लिए संघर्ष कर। मैं बोलता हूँ कि हार जाने के लिए हाथ मत उठाओ, बोलो खेल के हारूंगा, फाइट अप टू द लास्ट लास्ट ब्रेथ। मिठुन चक्रवर्ती को देखकर लगता होगा सभी को, अरे भाई ये क्या है, हाँ नसीब तो है भाई, नसीब से नसीब प्लेज अ वेरी बिग गेम, दैट डजंट मीन के हम सब हाथ उठा के बैठ जाएं और नसीब के ऊपर, ऐसा तो नहीं होगा। नसीब आपको मौका देता है, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग आपको पकड़ना पड़ेगा, डीजल आपको देना पड़ेगा, आपको नसीब रास्ता बताए कि वो मंजिल वहाँ है, गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी, पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा, गाड़ी के पहिए घुमाने पड़ेंगे, हॉर्न बजाना पड़ेगा, गियर चेंज करनी पड़ी, दैट्स ऑल योर्स। इस गुजरते हुए वक्त ने हर जिंदगी को कुछ न कुछ दिया है, दिन पर दिन उम्र में जुड़ते ही चले जाते हैं, हमारे कर्मों की किताब प्रतिपल मोटी होती जाती है, जिसे हम कभी जानते हैं तो कभी जानना चाहते नहीं। मिठुन दा की जिंदगी का एक एक पल बेहद बहुमूल्य था, उन्होंने हर पल को भोगा, जिया और उससे पाया, पल पल स्वयं को संवारते और हर क्षण से प्राप्त करने की कला में माहिर मिठुन दा ने सिर्फ पाना ही नहीं चाहा, दिया भी है। आज वो हमारे, आपके और अपने सभी दर्शकों के लिए प्रकाश पुंज की भांति हैं। वे अपने भावी जीवन में सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, क्रियाशील रहें। उनकी फिल्में सिल्वर स्क्रीन के हर मापदंड पर पूरी उतरते हुए सभी के दिलों में स्थान पाएं। वे हमेशा खुश रहें और मुस्कुराएं। वक्त रुकता कहाँ है किसी के लिए, देखिए ना अब वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।